Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Healthcare. So guys, देखिए क्या होता है. कई बार महिलाएं जब प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रही होती है तो ओवुलेशन के एक हफ्ते बाद या 10 दिन के बाद से उनकी बॉडी में प्रेगनेंसी की तरह लक्षण तो दिखाई देते हैं बट प्रेगनेंसी नहीं होती है. यानी कुछ टाइम के बाद उनको पीरियड्स ब्लीडिंग शेड होना शुरू हो जाती है. अगर आपके साथ भी ये होता है तो आज का वीडियो आप ही रोक लें, क्योंकि गाइज आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ पीरियड आने से पहले आपकी बॉडी में कौन से ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जिससे आप जान सकते हैं कि इस महीने आपको पीरियड ही आएगा, आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है. क्योंकि इस केस में क्या होता है, कई महिलाओं को ये भी लगने लगता है कि कहीं उनका अर्ली मिसकैरेज तो नहीं हो गया. अगर अर्ली मिसकैरेज नहीं है तो उन्हें पीरियड डेट से पहले प्रेगनेंसी की तरह लक्षण क्यों दिखाई दे रहे थे और पीरियड क्यों शेड हो गया. ये सो सारे जो डाउट्स हैं, कन्फ्यूज़न है आपको प्रेगनेंसी को लेकर या पीरियड को लेकर, ये सब इस वीडियो में आपका क्लियर होने वाला है. देखिए गाइस, अगर ओवुलेशन के दौरान स्पर्म सेल और एग सेल नहीं मिलते हैं तो ओवुलेशन के बाद तो नॉर्मली आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन काम करता है. अगर स्पर्म सेल और एग सेल नहीं मिलते हैं तो इस टाइम पे क्या होता है, आपका प्रेगनेंसी का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता. तो ओवुलेशन के 8-9 दिन के बाद महिलाओं की बॉडी में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज होना शुरू हुआ है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज होने का साइन है कि आपकी बॉडी में आपकी बॉडी प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर हो रही है. बट प्रेगनेंसी अगर हुई नहीं, यानी स्पर्म सेल और एग सेल मिले ही नहीं, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ओवुलेशन के एक हफ्ते के बाद या कुछ महिलाओं में 7-8 दिन के बाद जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पीरियड आने से पहले महिलाओं की बॉडी में कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जो बिल्कुल प्रेगनेंसी की तरह होते हैं. बट इन लक्षणों में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से आप जान सकते हैं कि ये आपके पीरियड आने के ही लक्षण हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ. तो सबसे पहले आप नाभि के नीचे की पेन की बात करते हैं, क्योंकि नाभि के नीचे जो पेन होता है वो आपको अर्ली प्रेगनेंसी में भी होता है और पीरियड आने का भी साइन है. बट गाइज, अगर आपको पीरियड आने वाली होती है तो उससे आपको एक हफ्ता पहले भी या 2-3 दिन पहले भी नाभि के नीचे लोअर एब्डोमिनल एरिया में दर्द होना शुरू हो जाता है. ये दर्द या तो आपको डल होगा, हल्का होगा और लगातार लगा रहेगा, बिना रुके, रुकता नहीं है. अगर ये थोड़ा बहुत पेन हो रहा है वो लगातार आपको लगा रहेगा जब तक आपकी पीरियड्स नहीं आती. अगर इस तरीके का पेन आपको हो रहा है तो ये साइन है कि आपको इस महीने पीरियड ही आएगा. क्योंकि गाइस, जो इम्प्लांटेशन सफल होने का पेन होता है या अर्ली प्रेगनेंसी का पेन होता है वो आपको हल्का तो होता है बट रुक रुक के होता है, ऐसे लगातार नहीं होता है. जो पीरियड आने का पेन होता है, अगर हल्का हो रहा है तो वो लगातार रहेगा जब तक आपको पीरियड्स नहीं आती. बट कुछ महिलाओं में हल्का पेन नहीं होता पीरियड आने से पहले, कुछ महिलाओं में तीखा पेन होता है, शार्प पेन होता है, ज़्यादा पेन होता है. वो पेन आपके नाभि से नीचे से लेके आपके लोअर बैक में होने लग जाएगा. लोअर बैक में दोनों साइड होने लग जाता है, ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली एक ही साइड होगा, पूरी बैक में आपका पेन होने लग जाता है. और इसके साथ साथ ये पेन आपका थाइज में भी फील होने लग जाता है और कई महिलाओं के फुट में भी पीरियड आने का पेन फील होता है. अगर ये पेन आपका स्प्रेड हो रहा है लोअर बैक में, थाइज में, पाँव में, ज़्यादा हो रहा है, पूरा ऐसा थकान टाइप की लग रही है, और जो पीरियड आने का पेन होता है अगर आपके नाभि के नीचे हो रहा है, अगर आप हॉट वाटर बैग लगाते हैं तो आपको रिलैक्स भी मिलता है. तो अगर इस तरीके का पेन हो रहा है तो ये भी साइन है आपके पीरियड आने वाला है. और गाइड, सबसे मेन चीज़ है नाभि के नीचे जो आपका पेन हो रहा है, अगर ये पेन आपको मसल पेन की तरह लगता है, जैसे आपके मसल्स में पेन होता है, आपने देखा होगा, कभी फील किया होगा, तो आपको बिल्कुल 101% पता चल जाएगा कि आपका पीरियड का आने का साइन है. यानी नाभि के नीचे अगर आपको मसल पेन की तरह हो रहा है तो ये साइन है आपके पीरियड आने का. इसके अलावा गाइस, आप अपने वजानल डिस्चार्ज को भी नोटिस कर सकते हैं, क्योंकि गाइस देखिए, अगर आपको ओवुलेशन के बाद पीरियड आने वाली होती है तो ओवुलेशन के बाद सबसे पहले तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एक हफ्ते तक काम करेगा, तो उस टाइम आपको इतना चेंज नहीं दिखता है. बट एक हफ्ते के बाद या 7-8 दिन के बाद आप देखेंगे जो आपका डिस्चार्ज है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का, जब लेवल कम हुआ है तो जो डिस्चार्ज आपका निकल रहा था, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन दोनों का लेवल कम हो जाता है, तो इस टाइम जो डिस्चार्ज होता है पीरियड आने से पहले, या तो ये बिल्कुल ड्राई होगा या स्टिकी होगा या बहुत कम निकलेगा या निकलेगा ही नहीं. तो इस तरीके का डिस्चार्ज बताता है कि इस महीने आपको पीरियड आने वाला है. गाइस, आपने देखा होगा ओवुलेशन के बाद जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज होता है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज होने की वजह से महिलाओं की बॉडी में वाटर रिटेंशन इंक्रीज होता है. अगर वाटर रिटेंशन बढ़ेगा तो महिलाओं को ऐसा ब्लॉटेड फील होगा, लाइक फूला फूला सा फील होने लगता है. और अगर प्रेगनेंसी कंसीव होगी
तो ये थ्रू आउट प्रेगनेंसी लगा रहेगा क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल रैपिडली इंक्रीज रहता है थ्रू आउट प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती तो इस दौरान क्या होता है, जो वाटर आपके बॉडी में इकट्ठा हो गया था वो फ्लूइड वो निकलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पीरियड आने से लाइक 3-4 दिन पहले 4-5 दिन पहले महिलाओं को बार बार यूरिन पास करने की शिकायत लगी रहती है, जो प्रेगनेंसी का भी साइन है। बट जो प्रेगनेंसी का साइन है ये थ्रू आउट लगा रहेगा। अगर आपको पहले ब्लॉटेड फील हो रहा है 2 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, और उसके बाद बार बार यूरिन आ रही है 3-4 दिन पहले पीरियड आने से, तो ये साइन है कि इस महीने आपको पीरियड ही आएगा। तो ये कुछ ऐसे 3 लक्षण हैं जो कंफर्म करते हैं कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है, आपको इस महीने पीरियड ही आएगा। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, अपसेट नहीं होना है कि इस महीने आपको प्रेगनेंसी क्यों नहीं कंसीव हुई। अगले महीने आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जितना स्ट्रेस आप लेंगे उतने आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस कम होते हैं। एंड यही आज का वीडियो गाइस, होप करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।